हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एनोमर्स क्या होते हैं एंड एपिमर्स क्या होते हैं। एक्चुअली ये एक तरह के डायस्टेरोमर्स ही होते हैं और उनका स्पेशल रेलेवेंस जो होता है, इट इज़ इन द केस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स में इनका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में गिवन। आइए सबसे पहले देखते हैं एपिमर्स क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। देखिए, हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं। वन ऑफ दिस इज ए, अनदर वन इज बी, अनदर इज सी। तो अपन क्या करेंगे, अपन ए और बी में आइसोमेरिक रिलेशनशिप निकालेंगे कि ए और बी रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं, इनैन्शियोमर लगते हैं, डायस्टेरोमर लगते हैं। एपिमर की हम बात बाद में करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले वाले कंसेप्ट आने चाहिए। यू नीड टू नो कि डायस्टेरोमर कैसे बताते हैं, इनैन्शियोमर कैसे बताते हैं। तो अगर हम ए और बी को देखें तो आप ध्यान दें, तो ये जो ये दिस कार्बन इज सेकेंड कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इस सेकेंड कार्बन पे आर एस कॉन्फिग्रेशन अपोजिट आ रही है। ये एफ इधर है, इसमें ये एफ इसका मिरर इमेज की तरह आ रहा है। तो हेंस इन दोनों का आर एस कॉन्फिग्रेशन अपोजिट है। तो यहाँ तो आर एस अपोजिट है, पर यहाँ पे देखिए आर एस इज सेम, आर एस इज सेम, अगेन आर एस इज सेम, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। तो कहीं तो आर एस कॉन्फिग्रेशन सेम आ रहा है और कहीं अपोजिट आ रहा है। ऐसे केस में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डायस्टीरियोमर, यानी ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। लेकिन एक और बात बोली जाएगी दैट ए एंड बी आर सी टू एपिमर्स ऑफ ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एपिमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर। एपिमर जो होता है, इट इज अ स्पेशल डायस्टीरियोमर, स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर हैविंग डिफरेंट आर एस एग्जैक्टली अबाउट वन कायरल सेंटर। इस बात पे आप फोकस कीजिए, वन कायरल सेंटर, एक ही कायरल सेंटर के अक्रॉस कॉन्फिग्रेशन में फ़र्क आना चाहिए, तो उस डायस्ट्यूमर को एपिमर बोलेंगे। मतलब अगर यहाँ पे इस एफ की बजाय सी एल की कॉन्फिग्रेशन भी अपोजिट होती, तो ऐसे केस में वो डायस्ट्यूमर तो होता बट वो एपिमर नहीं होता। आइए चेक करते हैं ए और सी को, क्या वो एपिमर्स होंगे? तो देखिए, ए और सी में अगर आप ध्यान दें तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। ए और सी में देखिए, एफ में सेम है बिल्कुल, सी एल वाले केस में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ब्रोमीन वाले केस में आर एस इज अपोजिट। उसके बाद आई के केस में देखिए सेम है। तो ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन, यानी ये कार्बन नंबर 4 जो है, इसी के अक्रॉस कॉन्फिग्रेशन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, बाकी सबके रिस्पेक्ट में सेम आ रही है। सो ऑब्वियसली दे आर डायस्टीरियोमर्स एज वेल एज दे आर सी फोर एपिमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के वो सी फोर एपिमर है। इसका मतलब आईपीएसी नंबरिंग के हिसाब से जो चौथे नंबर पे कार्बन आएगा उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। आइए देखते हैं बी और सी को, क्या बी और सी एपिमर्स हैं? तो देखिए, बी और सी में ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है। यहाँ पे एफ लेफ्ट में है, इधर एफ राइट में आएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन के केस में फिर से अपोजिट आ रहा है, यानी यहाँ पे दो कार्बन के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट आ रहे हैं। हेंस दे आर डायस्टीरियोमर्स बट दे आर नॉट एपिमर्स। ये एपिमर्स नहीं कहलाएंगे। तो एपिमर्स इज अ सबसेट ऑफ डायस्टीरियोमर, एक सबसेट है डायस्टीरियोमर का, जिसके अंदर कम एग्जैक्टली एक कायरल सेंटर के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, अलग आनी चाहिए। आइए अब देखते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स एपीमर्स का भी क्या होता है, एक छोटा सेट होता है, यानी सबसे बड़ा सेट जो है वो डायस्टीरोमर्स है, उससे छोटा सेट जो है वो एपीमर्स है, उससे छोटा सेट जो है वो क्या है, एनोमर्स है। अब देखिए, इस एग्जांपल में हमने ग्लूकोज की दो फॉर्म ली हैं। एक हमने लिया है ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और दूसरा हमने लिया है ग्लूकोज का बीटा फॉर्म। ओके, तो देखिए ये अल्फा फॉर्म क्यों है, क्योंकि ओ से हम क्लॉकवाइज जाते हैं, तो दिस इज़ द कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 है, दिस इज़ कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज 6। पहले कार्बन पे अगर ओ एच नीचे की तरफ होता है तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, और अगर पहले कार्बन पे ओ एच ऊपर की तरफ होता है तो उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पांच सेंटर कायरल हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप 2 को 3 को 4 और 5 को कंपेयर करोगे तो सब कुछ एग्जैक्टली सेम आएगा, सिर्फ 1 के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा। अब आपने एपिमर में देखा था कि एपिमर में एग्जैक्टली एक सेंटर के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है। तो ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स हैं, दे आर सी वन एपीमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के सी वन एपीमर हैं। लेकिन
दे आर ऑल्सो एनोमर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के एनोमर्स भी हैं। तो एनोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? एनोमर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन अबाउट टॉप कायरल कार्बन। जो टॉप मोस्ट यानी नंबरिंग के हिसाब से जो कायरल सेंटर सबसे पहले आएगा उसके अक्रॉस आरएस कॉन्फिग्रेशन अलग होनी चाहिए। यानी एनोमर इज अ स्पेशल केस ऑफ एपिमर जिसमें टॉप मोस्ट कायरल सेंटर के अक्रॉस आरएस कॉन्फिग्रेशन क्या होती है? अलग होती है। तो इससे आपको क्लियर होगा कि डायस्ट्यूमर एक बड़ा सेट है, एपिमर उससे और छोटा सेट है, एनोमर उससे और भी छोटा सेट है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए और पूछ लें कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर, ऑप्शन आ जाए, पहला ऑप्शन आ जाए आइसोमर, सेकेंड ऑप्शन आ जाए डाइस्टीरियोमर, थर्ड ऑप्शन आ जाए एपीमर, फोर्थ ऑप्शन आए एनोमर। आपको बेस्ट आंसर देना है। तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर? बेस्ट आंसर इज एनोमर, क्योंकि एनोमर इसमें क्लोजेस्ट आंसर है। आइसोमर एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सेट है। तो आइसोमर तो है ही, डाइस्टोमर तो है ही, एपीमर तो है ही, पर स्पेसिफिकली दे आर एनोमर्स। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट एपीमर्स, एपीमर्स एंड एनोमर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।